ओके सो इट्स बीन अ वेरी लॉन्ग टाइम सिंस आई पब्लिश अ वीडियो बट इन दिस टाइम स्पेन आई लर्न टू स्पीक इंग्लिश बस इतना ही सीखाऊँ अभी के लिए बाकी धीरे धीरे सीख लेंगे अपन तो आज मैं एक गाना सुन रहा था कि नीले नीले अंबर पर चांद जब आए इस गाने को सुनने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना इस चीज को साझा किया जाए कि अंबर यानी कि अपना आसमान नीला क्यों होता है इसके पीछे एक बहुत ही सिंपल सा रीजन है जो सनलाइट होती है वो होती है वाइट कलर की तो सूरज से आने वाली रोशनी जब हमारे वातावरण में प्रवेश करती है तो वातावरण में मौजूद गैस और कई सारे पार्टिकल जैसे कि धूल वगैरह से टकराकर वो वाइट लाइट बिखर जाती है वाइट लाइट में होते हैं सेवन कलर्स जो है विबग्योर यानी कि वोलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड अब इन सातों कलर में से ब्लू कलर सबसे ज्यादा फैलता है तो जो कलर सबसे ज्यादा फैलेगा वही कलर हमें सबसे ज्यादा दिखेगा तो इसी वजह से हमें आसमान ब्लू कलर का दिखता है इसके बाद सेकंड चीज की बात कर लेते हैं नोबल प्राइज के बारे में नोबल प्राइज सुनते दिमाग में वो आती है कि हाँ भाई बहुत हाई लेवल की चीज़ है कि जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन वाइन्स्टीन इन सब वैज्ञानिकों के नाम आते हैं तो भाई नोबल प्राइज़ आखिरकार है क्या देता कौन है किसने इस चीज़ की शुरुआत की तो एक आदमी था यानी कि एक वैज्ञानिक ही था जिसका नाम था अल्फ्रेड नोबेल जिसने डायनामाइट की खोज की थी और उसने इसके अलावा भी कई सारी अलग अलग खोज की थी अब ये आदमी यानी कि ये अल्फ्रेड नोबल ये था एक इंजीनियर अब समझ जाओ ये इंजीनियर था ना तो ये इंजीनियर के अलावा और भी बहुत कुछ था जैसे कि एक इंडस्ट्रियलिस्ट था एक केमिस्ट था और भी बहुत कुछ था एक सीधी सी कहावत है कि अ इंजीनियर इज नॉट ओनली अ इंजीनियर अ इंजीनियर इज मोर देन अ इंजीनियर तो भाई इंजीनियर इंजीनियर होने के साथ साथ और भी पता नहीं क्या क्या होता है तो ऐसे ही अल्फ्रेंड नोबेल भी पता नहीं क्या क्या थे काफी इन्होंने पैसा छाप लिया और मरते टाइम इनकी एक इच्छा थी कि मेरा सारा पैसा गोवा में बड़े डब्ल्यू के पेड़ के नीचे गाड़ दो नहीं ऐसी कोई इच्छा नहीं थी इसकी इच्छा थी कि इसके पैसे को ह्यूमन वेलफेयर में जो खोज होती है उन लोगों को दिया जाए बांटा जाए इसके नाम से एक प्राइस शुरू किया जाए तो बस ये आदमी तो मर गया और अपनी धन दौलत और अपनी आखिरी इच्छा यहीं पर छोड़ गया तो बस इसी आखिरी इच्छा को आगे कंप्लीट करने के लिए नोबल प्राइज़ चालू किया गया जिसमें अभी करंटली छः क्षेत्रों में ये प्राइज़ दिया जाता है और ये प्राइज़ उन लोगों को दिया जाता है जो कुछ ऐसी खोज करते हैं जो मानव कल्याण में काम आती है तो जैसे फिजिक्स में दे देते हैं केमिस्ट्री में दे देते हैं मेडिकल साइंस में दे देते हैं अर्थशास्त्र में शांति में और एक और है कोई वो मेरे को पता नहीं है आप भी क्या करोगे पता करके तो ऐसे करके करीब छह क्षेत्रों में ये नोबेल प्राइज दिया जाता है नोबेल प्राइज छह चीजों के लिए दिए जाते हैं जिसमें से फाइनल है लिटरेचर के लिए यानी कि साहित्य के लिए जैसे ग्रेजुएशन करने वाले को ग्रेजुएट्स बोलते हैं वैसे ही नोबेल प्राइज प्राप्त करने वाले को ल्यूरेट्स कहते हैं अब इस नोबेल प्राइज में खास बात क्या है तो नोबेल प्राइज एक बहुत बड़ा प्राइज है जिसको बहुत ज्यादा मतलब एक तरह से सम्मान वाला प्राइज है इसमें एक गोल्ड मेडल मिलता है और इंडियन रुपीज की बात करें तो करीब दस करोड़ रुपए कैश भी मिल जाते हैं बस आज की वीडियो में इतना ही वैसे मुझे इस वीडियो में कुछ और भी बताना था पर वो बात भूल गया तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद